हेलो दोस्तों, मैं श्याम वर्मा आपके सामने फिर से एक बार नई वीडियो के साथ सामने आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा हमने पिछली वीडियो में कंपनी के बारे में बात कर लिया है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन के बारे में, कि कोई भी एग्जाम है तो उसमें इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन या किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन क्वेश्चन के बारे में हम आज बात करेंगे। तो क्या होता है कि जो मैंने ये वीडियो बनाई है उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन है या तो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं या उनकी आने की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चंस वो हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। और इस वीडियो की एक खास बात क्या है कि जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चन के जवाब देंगे या सही जवाब देंगे, उनकी जो फोटोज होगी नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ जवाब देता है। जिससे क्या फ़ायदा होगी, एग्जाम्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा कम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो चलिए हम चलते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करते हैं डीपली से। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, गैस एनालिसिस इज कॉमनली यूजिंग इन द, ये रहा आपके ऑप्शन थर्मल कंडक्टिविटी सेल, एक्सरे डिफ्रेक्शन, मास स्पेक्ट्रोमीटर, इमिशन स्पेक्ट्रोमीटर। और आपका समय शुरू होता है अब, 5 सेकंड है आपके पास, आप जल्दी से जल्दी इसका जवाब दें। ये रहा आपका टाइम शुरू। तो अब बताते हैं, आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालिए। तो इसका आंसर है थर्मल कंडक्टिविटी सेल। थर्मल कंडक्टिविटी सेल क्या यूज होती है, इसकी सहायता से हम गैस की कंपोजिशन टोटली फाइंड किया जाता है। आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप स्क्रीन पे कमेंट करेंगे उतना जल्दी जल्दी आपका ऑप्शन लॉक होते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सिंपल पिटॉट ट्यूब इज मीजर द, सिंपल पिटॉट ट्यूब के किसकी सहायता से क्या मीजर किया जाता है। तो सिंपल पिटॉट आपके ऑप्शन ये रहे, ये स्क्रीन पर, एवरेज वेलोसिटी, पॉइंट वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी और स्टैटिक प्रेशर। जल्दी जल्दी बताइए, 5 सेकंड आपके पास हैं। तो इसका सही आंसर है जो है वो है स्टैटिक प्रेशर। क्योंकि तो अगर जो हम सिंपल पिटॉट ट्यूब की बात करें तो वो स्टैटिक प्रेशर, लेकिन अगर पिटॉट ट्यूब की बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, एवरेज वेलोसिटी। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, स्टैटिक प्रेशर। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, साइक्रोमीटर डिटरमाइंस डेट, साइक्रोमीटर की सहायता से हमें क्या फाइंड किया जाता है। तो ये रहा आपका ऑप्शन, नंबर ए ह्यूमिडिटी ऑफ गैस, नंबर बी आपका है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो तीसरा ऑप्शन है वो है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉलिड, और चौथा ऑप्शन जो है हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ सॉलिड। जल्दी से जल्दी बताइए, टाइम स्टार्ट हो गया। तो जो इसका सही आंसर है वो है ह्यूमिडिटी ऑफ गैस। ह्यूमिडिटी गैस की मीजर करने के लिए हम साइक्रोमीटर यूज करते हैं या ह्यूमिडिटी चार्ट का यूज किया जाता है। आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहिए। चौथा आपका क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पिरानी गेज इज यूज फॉर मीजरमेंट ऑफ, पिरानी गेज की सहायता से हम क्या मीजरमेंट करते हैं। तो आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने, जो पहला ऑप्शन वो हाई वैक्यूम, दूसरा ऑप्शन है वेरी हाई प्रेशर, तीसरा ऑप्शन जो वो है लिक्विड लेवल, और चौथा ऑप्शन है वो लिक्विड टेम्परेचर। जल्दी से जल्दी बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। तो जो इसका सही आंसर है वो है हाई वैक्यूम। पिरानी गेज की सहायता से हम हाई वैक्यूम को मीजर करते हैं, जहाँ वैक्यूम हमारी होती है तो कितनी वैक्यूम हम वहाँ लगाए हैं उसको मीजर करने के लिए हम पिरानी गेज का यूज करते हैं। ये रहा आपके सामने पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट चॉइस, इनमें से करेक्ट चॉइस बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। ये रहा आपके ऑप्शन पहला, ये रहा डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 9/5 फ़ारेनहाइट -32, दूसरा ऑप्शन जो वो डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 5/9 F-32, तीसरा ऑप्शन जो आपके पास है वो है सी इक्वल टू F/9 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डी जो डी ऑप्शन आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 9/5 फ़ारेनहाइट। टाइम स्टार्ट हो गया आपके, कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से जल्दी आंसर डालिए। और इसमें जो आपका आंसर है वो ऑप्शन है सी, इनमें से जो ऑप्शन है डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 5/9 F-32, ये आपका सही आंसर है। छठा क्वेश्चन ये आपके सामने रहा, ईएमएफ जनरेटेड बाय थर्मोकपल इज द ऑर्डर ऑफ, मतलब जो थर्मोकपल होती है वो जो ईएमएफ जनरेट करती है वो किस ऑर्डर में करती है। तो आपके ऑप्शन ये रहे सामने, माइक्रोवोल्ट, मिलीवोल्ट, नंबर जो तीसरा ऑप्शन है वो वोल्ट्स में, और चौथा ऑप्शन है वो है किलो वोल्ट्स में। आप जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, समय स्टार्ट हो गया। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा वी, मिलीवोल्ट्स। जो हमारा थर्मोकपल होता है वो ईएमएफ जो जनरेट करता है वो मिली वोल्ट के टर्म में जनरेट करता है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहिए, जितनी जल्दी डालेंगे उतना आपके आंसर एक्यूरेसी से आएंगे।
सातवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बायोमेटेलिक थर्मामीटर वर्क बेस्ड ऑन, जो बायोमेटेलिक थर्मामीटर होता है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ये रहा आपके ऑप्शन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मेटल्स, नंबर बी जो है वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ मेटल, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस विथ इंक्रीज विथ टेम्परेचर, और इनमें से कोई नहीं चौथा ऑप्शन। जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, आप जल्दी से जल्दी आंसर डालिए। तो इसका जो आपका आंसर होगा करेक्ट वो होगा ए, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मेटल। क्या होते हैं जब बायोमेटेलिक दो मेटल्स को जो ज्वाइंट होती है उसमें टेम्परेचर हम देते हैं तो क्या होता है उसमें लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होते हैं, वो फैलाव होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आपके सामने रहा आठवां क्वेश्चन, ये बैरोमीटर मीजर डॉट 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 प्रेशर, बैरोमीटर के द्वारा हम कौन से प्रेशर को मीजर करते हैं। तो ये रहे आपके स्क्रीन पे आंसर, नंबर ए एब्सोल्यूट प्रेशर को मीजर करते हैं, नंबर बी गेज प्रेशर को, नंबर सी एब्सोल्यूट एंड वेलेज गेज प्रेशर, और ऑप्शन डी डायनेमिक प्रेशर। टाइम स्टार्ट हो गया आपका, कमेंट बॉक्स में आप जितनी एक्यूरेसी से डालेंगे उतनी एक्यूरेसी से आपके आंसर आएंगे और टाइम आपकी बचेगी। तो आपके ऑप्शन, आपका आंसर जो रहा है वो ए है, एब्सोल्यूट प्रेशर, बैरोमीटर के द्वारा हम एब्सोल्यूट प्रेशर को मीजर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहा, रेडिएशन पायरोमीटर मीजर रेंज, रेडिएशन पायरोमीटर कितनी रेंज के टेम्परेचर को मीजर करता है। ये रहे आपके आंसर, ऑप्शन नंबर एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 800 से 2000, सी ऑप्शन 300 से 1100, नंबर डी ऑप्शन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब, जिसकी आंसर सबसे ज़्यादा होगी मैंने पहले ही बताया है कि उसकी इमेज नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले दिखाई जाएगी, तो आप जल्दी करें। तो 5 सेकंड आपके होते हैं ख़त्म। तो इसका आंसर जो होगा वो 800 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। रेडिएशन पायरोमीटर सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर मीजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है जो ऑब्जेक्ट को बिना टच कराए ही टेम्परेचर को मीजर कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, थर्मोफाइल इज यूज फॉर मीजर ऑफ, थर्मोफाइल किसकी क्या मीजर करता है, क्या मीजर करने के लिए यूज किया जाता है। आपके ऑप्शन है ये EMF मीजर करने के लिए, नंबर बी करेंट, नंबर सी टेम्परेचर, और नंबर डी फ्लो रेट। तो टाइम स्टार्ट हो गया आपका, जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स में, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। तो 5 सेकंड आपके ख़त्म होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है सी टेम्परेचर, जो थर्मोफाइल होती है उसकी सहायता से हम टेम्परेचर को मीजर करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मीजर ऑफ द टेम्परेचर इन फर्नेस, फर्नेस का टेम्परेचर मीजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो ये रहे आपके ऑप्शन, नंबर ए रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, नंबर बी रेडिएशन पायरोमीटर, नंबर सी बायोमेटेलिक थर्मोमीटर, नंबर डी आयरन कॉन्स्टेंटन थर्मामीटर। जल्दी जल्दी बताइए, आपके ऑप्शन स्टार्ट हो गए हैं। कमेंट बॉक्स में आप जाकर जितने एक्यूरेसी के साथ डालेंगे उतना एग्जाम में आपको फायदा होगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो है बी रेडिएशन पायरोमीटर, क्योंकि रेडिएशन पायरोमीटर हाई टेम्परेचर मीजर करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि फर्नेस का टेम्परेचर हाई होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी रेडिएशन पायरोमीटर सही होगा। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो है कंपोजिशन ऑफ एलॉय कैन बी डिटरमाइंड बाय, एलॉय की कंपोजिशन मतलब मिश्र धातु की कंपोजिशन ज्ञात करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। ये रहे आपके ऑप्शन, नंबर एक पोलेरोग्राफ, नंबर बी जो है वो क्रोमेटोग्राफ, नंबर सी रिफ्रेक्टोमीटर, और नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो आपके ऑप्शन स्टार्ट हो गए हैं, समय स्टार्ट हो गया, आप जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, आप जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपके समय समाप्त होते हैं। इसका जो ऑप्शन सही है वो है ए पोलेरोग्राफ, पोलेरोग्राफ की सहायता से हम एलॉय की कंपोजिशन ज्ञात करते हैं। यहाँ रिफ्रेक्टोमीटर जो होती है उससे हम ब्लड की कंपोजिशन फाइंड करते हैं, और जो क्रोमेटोमीटर होती है वो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो केमिकल्स की प्योरिटी ज्ञात करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें ए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मैक्लोड गेज इज यूज फॉर, मैक्लोड गेज जो होती है इंस्ट्रूमेंट वो किसके लिए यूज की जाती है, क्या मीजर करते हैं। तो ये रहे आपके ऑप्शन, नंबर ए फ्लोरेट, नंबर बी पॉइंट वेलोसिटी, नंबर सी वैक्यूम, नंबर डी प्रेशर। जल्दी जल्दी बताएं, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। फ्लोरेट, वैक्यूम, पॉइंट वेलोसिटी, प्रेशर, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है सी वैक्यूम। मैक्लोड गेज सबसे कम प्रेशर मीजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, कि जहां सबसे कम प्रेशर मीजर करने होते हैं वहां पर मैक्लोड गेज यूज किए जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट डिग्री केल्विन आर सेम, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो
टेम्परेचर जो फारेनहाइट और केल्विन के बराबर होती है। तो नंबर एक आपका है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, नंबर बी 212 डिग्री सेंटीग्रेड, नंबर सी जो है वो है 574 डिग्री और नंबर डी जो है वो 273.15। किस टेम्परेचर पे फारेनहाइट और केल्विन बराबर होते हैं? 0 डिग्री, 212, 574.6 और 273.15। जल्दी से जल्दी बताइए, आपके ऑप्शन स्टार्ट हो गए हैं। कमेंट बॉक्स में आप करते रहिए, जिसका ऑप्शन सबसे सही होगा उसका कल फोटो सबसे पहले आएगा। तो देखते हैं कौन सा सही है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है बी 574.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका फारेनहाइट और केल्विन इक्वल होते हैं। इसको निकालने के लिए जो फार्मूला है वो बेसिक आप यूज कर सकते हैं, C/5 = F-32/9 = K-273/5। इसकी सहायता से आप यहाँ चेंज करेंगे तो आपका आंसर बी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है लिक्विड फ्लो रेट इन ए स्मॉल चैनल इज मेजर्ड बाई। किसी भी लिक्विड का फ्लो रेट जो स्मॉल चैनल में बहुत कम पाथ में मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो ये रहे आपके ऑप्शन वियर, नंबर बी वेन मीटर, नंबर सी पिटार्ड ट्यूब और नंबर डी वेंचुरी मीटर। तो आपके ऑप्शन आ गए हैं, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से जल्दी आप बताएं, कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से जल्दी डालते रहें जिसका आंसर आता रहे, तो आपका टाइम ख़त्म होता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, पिटार्ड ट्यूब। पिटार्ड क्योंकि जो हमारी वियर होती है वो हाई रिवर्स के लिए, रिवर का फ्लो रेट मीजर करने के लिए रिवर में जो वाटर होते हैं हाई चैनल के लिए यूज किए जाते हैं। जो वेन मीटर है वो एयर का फ्लो रेट मीजर करते हैं। अब बात आती है पिटार्ड ट्यूब और वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर हमारा काफ़ी जो हाई एरिया होता है वहाँ पर यूज किया जाता है, लेकिन जो पिटार्ड ट्यूब है वो हमारा सबसे सिंपल है और कम एरिया में यूज करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनोमीटर मीजर द .. प्रेशर। मैनोमीटर की सहायता से हम कौन सा प्रेशर मीजर करते हैं? तो ये रहा आपके ऑप्शन, नंबर ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नंबर बी जो है वो गेज प्रेशर, नंबर सी जो है एब्सोल्यूट प्रेशर और नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो आपके ऑप्शन सामने हैं, आपका समय शुरू होता है। आप कमेंट बॉक्स में जिसके आंसर आते हैं जल्दी से जल्दी डालते रहें, तो आपके समय समाप्त होते हैं। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी गेज प्रेशर। मैनोमीटर की सहायता से हम गेज प्रेशर को मीजर करते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन आपके सामने वो 17, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन पायरोमीटर बेस्ड ऑन। रेडिएशन पायरोमीटर जो है जो टेम्परेचर मीजर करता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये रहे आपके ऑप्शन ए विंस लॉ, नंबर बी स्टीफन बोल्ट्समैन लॉ, नंबर सी किरचॉफ्स लॉ और नंबर डी सीबेक इफेक्ट। आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब। आप कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी से जल्दी डालते रहिए, जो सबसे पहले आंसर डालेगा उसका और एक्यूरेसी के साथ डालेगा उसका फोटो कल सबसे पहले आएंगे और उसका एग्जाम में सबसे अच्छी तैयारी होगी। तो आपका टाइम खत्म होते ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्टीफन बोल्ट्समैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्समैन लॉ आप जानते हैं = σT^4। इसकी सहायता से हम ये प्रिंसिपल जो होता है वो रेडिएशन पायरोमीटर में यूज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है डायलेक्टोमीटर ये यूज्ड फॉर। डायलेक्टोमीटर की सहायता से हम क्या मीजर करते हैं? तो आपके ऑप्शन है ये ए स्ट्रेन, नंबर बी स्ट्रेस, नंबर सी डिफ्लेक्शन और नंबर कंसंट्रेशन। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं ये, आप जल्दी से जल्दी आंसर डालते रहिए कमेंट बॉक्स में। जितने कम टाइम आप लेंगे एग्जाम में उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी। तो आपका टाइम ख़त्म होता ही है। तो आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट जो है वो है डी कंसंट्रेशन। डायरेक्टोमीटर की सहायता से आप जानते होंगे जो मिल्क होती है उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड किया जाता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है डी। अब अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस मीजर्ड बाई। तो जो इसमें पूछ रहा था उसका क्या मतलब है, नेचुरल गैस की कंपोजिशन किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मीजर किया जाता है? पहला ऑप्शन आपका है क्रोमेटोग्राफ, नंबर बी है स्पेक्ट्रोमीटर, नंबर सी जो ऑर्सेट अपरेटस और नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय स्टार्ट होता अब। आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए, जल्दी से जल्दी आपके टाइम स्टार्ट हो गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रोमेटोग्राफ। क्रोमेटोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो नेचुरल गैस की कंपोजिशन फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें से जो है ऑर्सेट अपरेटस उसकी सहायता से भी कंपोजिशन यूज किया मीजर किए जाते हैं, लेकिन नेचुरल गैस की जो होती है बात उसके लिए क्रोमेटोग्राफ यूज किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है बिलोज आर मेड बाई। बिलोज किसकी सहायता से बनाए जाते हैं? तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, लेदर,
नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर सी पेपर, नंबर डी कॉपर शीट। बिलोज किसकी सहायता से बनाए जाते हैं, जल्दी से जल्दी आप बताइए। आप कमेंट बॉक्स में जो सबसे पहले करते रहेंगे आपकी एक्यूरेसी वैसी बढ़ती जाएगी एग्जाम के लिए। तो आपका ऑप्शन जो इसमें सही है वो है डी कॉपर शीट। कॉपर शीट की सहायता से हम बिलोज का यूज करते हैं जो हमारी अप डाउन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट में लगाए जाते हैं। तो ये रहे हमारे वो टॉप 20 क्वेश्चन जो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सबसे खास टॉपिक्स हैं या सबसे खास क्वेश्चन आप बोल सकते हैं जिनमें मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और इसमें अधिक से अधिक कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्दी लेकर आने की प्रयास करूंगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।